IES यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस बहुत बड़ी पोस्ट है, आपने शायद ही इसके बारे में सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं IES बनने की पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एक IES ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट भारत, नेपाल, भूटान का नागरिक होना चाहिए। कैंडिडेट की उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आप इसे किसी भी कोर्स को करके नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बीटेक की डिग्री, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में से किसी ट्रेड से पास आउट होने चाहिए। तो IES का एग्ज़ाम UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो परीक्षा के 3 स्टेज होते हैं UPSC के। पहला स्टेज होता है प्री एग्ज़ाम का, दूसरा स्टेज होता है मेंस एग्ज़ाम का, और तीसरा होता है इंटरव्यू का। तो अब जानते हैं कि सभी एग्ज़ाम के बारे में। तो IES बनने का पहला स्टेज यानी प्री एग्ज़ाम से शुरू करते हैं। तो इस परीक्षा में आपको अप्लाई करते समय आपको आपने जो ट्रेड चूज़ किया था उसे फिल करना होता है, फिर उसी ट्रेड से रिलेटेड पेपर होता है आपका। तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का होता है। यह प्री एग्ज़ाम का पहला पेपर होता है। यह 200 अंकों का और 2 घंटे का होता है। इसमें 100 ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दूसरा पेपर आपसे ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह पेपर कुल 300 मार्क्स का होता है और 3 घंटों का होता है। इसमें 150 यानी 150 ऑप्शन वाले सवाल पूछे जाते हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब जानते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो इस एग्ज़ाम में ऑप्शन वाले सवाल नहीं पूछे जाते, यह रिटन एग्ज़ाम होता है। इसमें बहुत सारे पेपर होते हैं जो अपने ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट को पास करना होता है और यह 200 मार्क्स का होता है। इसमें वे आपका IQ लेवल चेक करते हैं और वे इसमें आपसे कठिन सवाल को पूछते हैं, जिस सवाल का जवाब आपको बहुत ही चतुराई के साथ देना पड़ता है। इस तरह इंटरव्यू को पास करते हैं आप, फिर आप IES एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, हर सारे स्टेज पास कर लेते हैं और आप IES ऑफिसर बन जाते हैं। अब बात करते हैं IES ऑफिसर की सैलरी की। तो सभी पे को मिलाकर 50,000 से 55,000 तक आपकी सैलरी होती है, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हम इस चैनल पर आपको कैरियर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन और नॉलेज की जानकारी देते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें, और यह बिल्कुल फ्री है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, यानी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और यह बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई पे या पैसा नहीं लगता। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video.